नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग में चर्चाओं में बनी हुई है। डॉक्यूमेंट्री के तीसरे एपिसोड में सलीम खान और हेलन की जर्नी के बारे में बताया गया है। सलीम खान ने दो शादियां की थी। पहली शादी सलमा खान के साथ हुई थी, जिससे सलमान, अरबाज, सोहेल और अलविदा का जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने दूसरी शादी अपने समय की चर्चित एक्ट्रेस हेलन से की थी। डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन में हेलन ने कहा, फिल्म काबली खान की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सलीम साहब ने विलेन का रोल निभाया था, वहीं मैं फिल्म की हीरोइन थी। मैंने सलीम साहब को कभी विलेन के तौर पर इमेजिन नहीं किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे बीच कभी बात नहीं हुई। हाँ, फिल्म डॉन की शूटिंग के दौरान पहली बार मैंने उनसे सही मायनों में बात की। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की स्क्रिप्ट सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखी थी। सलीम खान बताते हैं कि शूटिंग के बाद हेलन अक्सर मेरे पास आया करती थी, हम ड्रिंक्स लेते और इसके बाद वे चली जाती थी। जब सलीम साहब से पूछा गया कि आपको कब हेलन से प्यार हुआ, तो उनका जवाब था, प्यार तो आपने अगर किया होगा तो पता लगेगा। डॉक्यूमेंट्री में अरबाज खान ने बताया कि उनकी माँ सलमा ने कभी भी उनसे पिता सलीम खान और हेलन आंटी के बारे में गलत बात नहीं की। अरबाज ने कहा कि हम आज भी उन्हें हेलन आंटी ही कहते हैं, क्योंकि वे तब हमारे लिए आंटी ही थी। हम भले ही उन्हें आंटी कहें, लेकिन हम उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। सलीम खान बताते हैं, मैंने अपने सभी बच्चों को बैठाया और उनसे कहा, तुम अभी ये नहीं समझोगे, लेकिन जब बड़े होगे तब समझ में आ जाएगा। मैं हेलन आंटी से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उनसे उतना प्यार नहीं करोगे जितना अपनी माँ से करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब उन्हें भी वही सम्मान दो जो अपनी माँ को देते हो। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।